नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। बिटकॉइन ऑर्डिनल्स की कामयाबी का आलम यह है कि अब बाइनेंस ने पूरी तरह से बिटकॉइन ऑर्डिनल्स और इंस्क्रिप्शंस पर फोकस एनएफटी मार्केटप्लेस लॉन्च कर दी है। इस मार्केटप्लेस पर यूजर्स सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट की मदद से इंस्क्रिप्शन ट्रेड और मिंट कर पाएंगे। बाइनेंस के इस फैसले से इतना तो साफ है कि बाइनेंस को इंस्क्रिप्शंस में गजब की पोटेंशियल नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, 2023 में जब इन्वेस्टर्स एनएफटी से 10 कदम की दूरी बना रहे थे, तब उस बेयर मार्केट सिचुएशन में हमने इंस्क्रिप्शंस को बेहतरीन परफॉर्म करते हुए देखा है। बाइनेंस के इस फैसले के पीछे कई वजह और आंकड़े थे, जैसे कि मल्टीपल ब्लॉकचेन्स पर इंस्क्रिप्शंस का आंकड़ा 200 मिलियन को पार कर गया, BRC20 टोकन ORDI की मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन तक पहुंच गई। साथ ही कई बड़ी एक्सचेंजेस ने इंस्क्रिप्शन सर्विसेज का स्वागत किया। OKX ने तो हाल ही में नए इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स तक अनाउंस कर दिए, जैसे डॉजिनल्स, ऑटोनॉमिकल्स, स्टैम्प्स और रूनस। बाइनेंस की नई मार्केटप्लेस BRC20, EVM और बाकी इंस्क्रिप्शंस को सपोर्ट करेगी। बाइनेंस इंस्क्रिप्शन मार्केटप्लेस यूनिसैट के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का इस्तेमाल करेगी। यूनिसैट एक बिटकॉइन इंस्क्रिप्शन मार्केट और वॉलेट प्रोवाइडर है जो बाइनेंस Web3 वॉलेट पर होस्टेड है। बाइनेंस का कहना है कि वो यूनिसैट के API का इस्तेमाल इसीलिए कर रहा है क्योंकि इससे इंस्क्रिप्शन स्पेस में यूजर्स का आंकड़ा बढ़ेगा। यूनिसैट की लिक्विडिटी डेप्थ 60,000 BRC20 टोकन से ज्यादा है। ऐसे में बाइनेंस की लेटेस्ट मार्केटप्लेस को यूनिसैट की एक्सटेंसिव टोकन ऑफरिंग का फायदा मिलेगा, साथ ही बाइनेंस Web3 वॉलेट की कन्वीनियंस और सिक्योरिटी मिलेगी। इन दिनों मार्केट BTC के हक में नजर आ रही है। BTC की लिक्विडिटी बेहतर हुई है, बिटकॉइन ETF को बढ़ चढ़ कर अपनाया जा रहा है। ऐसे में ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अगले बुल रन में ऑर्डिनल्स की और ज्यादा सफलता की उम्मीद की जा रही है। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी और मजेदार अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3.0 TV और ज्यादा स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।